एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था रतन। वो एक अच्छा कलाकार था। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार करता था, लेकिन उसकी मूर्तियों को कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा था। वो रोज सुबह जंगल जाता था और अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढकर घर ले आता था। फिर दोपहर के बाद रात तक वो मूर्ति बनाने का काम करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम कर रहा था तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए। क्यों भाई रतन, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? ठीक हूँ मैं सरपंच जी, काम भी ठीक चल रहा है। यहाँ कैसे आना हुआ आज? अरे तुम तो जानते हो ना, हमने गांव में एक मंदिर बनाया है, लेकिन उस मंदिर के लिए एक अच्छी मूर्ति नहीं मिल रही। मैं क्या कहता हूँ रतन, तुम क्यों नहीं बना लेते एक अच्छी सी मूर्ति? हाँ चलेगा सरपंच जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं तुरंत ही गणेश जी की एक अच्छी मूर्ति बनाता हूँ अपने गांव के मंदिर के लिए। अब रतन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसके पास काम भी था और उसे ग्राहक भी मिल गया था। अब भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उसे एक अच्छे और बड़े से पत्थर की जरूरत थी। उसके घर में कुछ पत्थर तो थे, लेकिन उसने सोचा कि भगवान की मूर्ति के लिए कोई अच्छा सा और बड़ा पत्थर लेकर आता हूँ। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वो जंगल गया। बहुत ढूंढने पर उसे एक अच्छा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को अच्छे से देख लिया और उसे उठाकर वो घर ले आया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने सारे औजार निकाले और जैसे ही उसका हथौड़ा उस पत्थर की ओर बढ़ा तो उस पत्थर से आवाज आई, अरे अरे रुको, मुझ पे हथौड़ा मत चलाओ, मेरे शरीर के ऐसे टुकड़े मत करो, मुझे उससे बहुत दर्द होगा। अरे मुझे तुम पर हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा, अगर मैंने हथौड़ा नहीं चलाया तो गणेश जी की मूर्ति कैसे तैयार होगी? मूर्ति बनानी है ना, यहाँ इतने सारे पत्थर पड़े हैं, उसमें से एक ले लो, उसकी मूर्ति बनाओ, लेकिन मुझे छोड़ो, बहुत दया होगी मुझ पर। पत्थर की ये बात सुनकर रतन को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को उठाकर एक कोने में रख दिया। अब फिर से जंगल में जाकर कोई नया पत्थर लाने में बहुत वक्त बर्बाद होता, इसलिए उसने घर में पड़े हुए कुछ पत्थरों से एक बड़ा पत्थर चुनकर उससे भगवान की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन मेहनत करने के बाद रतन ने भगवान की एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को देखकर रतन बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बाद उस भगवान की मूर्ति को मंदिर तक ले जाने के लिए सब गांव वाले आ गए। सरपंच ने रतन से कहा, क्यों भाई रतन, हो गई कि नहीं मूर्ति तैयार मंदिर के लिए? अरे क्या बोल रहे हो सरपंच जी, देखिए ना कितनी सुंदर मूर्ति बनी है, और ये तो भगवान का काम है, मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा ही ना। अच्छा क्या बात है भाई, तो दिखाओ मुझे मूर्ति। फिर रतन ने वो सुंदर मूर्ति सरपंच और सब गांव वालों को दिखाई। उस मूर्ति को देखकर सब बहुत खुश हो गए। सबने रतन की बहुत तारीफ की। इतने में एक गांव वाले की नजर उस कोने में पड़े पत्थर पर पड़ी और वो सरपंच से बोला, सरपंच जी आपको तो याद है ना, हमें मंदिर की सीढ़ियों के लिए एक पत्थर चाहिए, मुझे वो पत्थर अच्छा लग रहा है। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मूर्ति के साथ ये पत्थर भी लेके चलते हैं, सीढ़ी के लिए एकदम सही है ये। ये कहकर बड़ी धूमधाम के साथ सब गांव वाले उस मूर्ति और पत्थर को मंदिर ले गए। वहां जाकर मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उस पत्थर को सीढ़ियों से लगा दिया। दूसरे ही दिन से गांव के सभी लोग उस मूर्ति की पूजा करने के लिए मंदिर में आने लगे। अब होता ये कि जो भी मंदिर में आता
वो सीढ़ियों से लगे हुए पत्थर पर पैर रखकर मंदिर में जाता और उस मूर्ति का दर्शन करता। मंदिर में जाकर लोग उस मूर्ति की पूजा करते, उस पर फूल मालाएं चढ़ाते, उस पर चंदन का लेप लगाते और उसके ऊपर प्रसाद भी चढ़ाते। और दूसरी ओर उस मंदिर के सीढ़ियों में लगे पत्थर के नसीब में थी सिर्फ धूल। जब भी कोई भक्त उसकी तरफ बढ़ता वो चिल्लाता, अरे 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 मेरे शरीर पर पैर मत रखो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हारी पैर की धूल से मैं मैला होता जा रहा हूँ। लेकिन भक्तों को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, इसलिए वो उसके ऊपर पैर रखकर मंदिर में जाते थे। जो पत्थर मूर्ति बन गया था वो मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन जो पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगा था वो बड़ा दुखी था। एक दिन मूर्ति ने पत्थर से कहा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अरे तुम तो देख रहे हो सब, जो भी तुम्हारे दर्शन के लिए आता है वो मुझ पर पैर रख के आगे जाता है। मुझे बहुत दर्द तो हो रहा है और मैं कितना मैला हो गया हूँ, देखो ना तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम पर लोग फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, मतलब ये हुआ कि तुम खा रहे हो प्रसाद और मैं खा रहा हूँ धूल। लेकिन इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि जब उस मूर्तिकार ने मूर्ति के लिए तुम्हें चुना तब हथौड़े के घाव से बचने के लिए तुमने ही उसे रोक दिया, इसलिए उसने मुझे चुना, इसलिए मैं बन गया भगवान और तुम रह गए पत्थर के पत्थर। सीढ़ियों में लगे पत्थर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मन ही मन भगवान से माफी मांगी। अब कोई भी भक्त उस पर पैर रखकर मंदिर में जाता तो पत्थर बोलता, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा करते करते उस पत्थर के मुख से कई हजार बार भगवान का नामस्मरण हुआ। तब इसके उस नामस्मरण से भगवान भी खुश हो गए और उन्होंने एक साधु को उस गांव में भेजा। उस साधु ने सब गांव वालों को मंदिर बुलाया और वो बोला, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, तुम मंदिर में दर्शन के लिए तो आते हो लेकिन तुम्हारा दर्शन करने का तरीका गलत है। मंदिर में जाने से पहले तुमको उस पत्थर के दर्शन करने चाहिए जिस पर पैर रखकर तुम मंदिर में जा सकते हो, क्योंकि ये सीढ़ी नहीं होती तो तुम मंदिर में जा ही नहीं पाते। फिर गांव वालों ने भी साधु की बात मान ली और मंदिर में जाने से पहले उस सीढ़ियों में लगे पत्थर के दर्शन करने लगे। अब उस पत्थर की जिंदगी बदल गई, लोग मंदिर में जाने से पहले उसका दर्शन लेने लगे। अब समझे तुम? तुमने हंसते हंसते भगवान का नाम लेकर सब दुख सह लिया, इसलिए तुम्हें उसका अच्छा फल मिल गया। सही बोल रहे हो, मुझसे भूल हो गई, अब मैं जिंदगी में कठिनाइयों से कभी भी नहीं भागूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ कठिनाइयों के घाव सहने से ही हमें अच्छा फल मिलता है, इसलिए हमें मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे, तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल ट्यून्स, जिंगल ट्यून्स, जिंगल ट्यून्स।